हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी का यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। इस तरह से मोबाइल में ऑर्डर करते हैं उसी तरह से आप लैपटॉप पीसी में भी दोस्तों उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसको ऑर्डर कैसे करते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसके सिंपली दो तरीके होते हैं दोस्तों, या तो एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट का डाउनलोड करके उसमें आप लॉगिन करके कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप वेबसाइट में भी जाके कर सकते हैं। हम दोस्तों आपको वेबसाइट वाला बताते हैं क्योंकि दोस्तों ऐप्स वाला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे इजी नहीं पड़ेगा। आपको पहले ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब कि आप उसको ना ही करें तो अच्छा है। आप वेबसाइट में करेंगे, एक बार लॉगिन कर देंगे, जब भी आप चाहें तो वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर आप अगर लॉगिन ही रहने देते हैं तो आप जब भी खोलेंगे अपने वेबसाइट में तो फ्लिपकार्ट आपका जो है वो ओपन रहेगा। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे आपको करना है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, आप लास्ट तक जल्दी देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे अपने लैपटॉप या फिर पीसी में जहाँ भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से या फिर फ्लिपकार्ट को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों उसमें इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंटरनेट कनेक्शन जो है वो पहले से ही करके रखा है। तो आप सिंपली दोस्तों अपने डिवाइस में जो है वो इंटरनेट कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है सिंपली अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम को दोस्तों यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली दोस्तों इस पर आप एक बार टैप करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है फ्लिपकार्ट लॉगिन। फ्लिपकार्ट लॉगिन यहाँ पे आपको टाइप करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका सामने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आपको लॉगिन का भी मिलेगा। आप चाहें तो दोस्तों इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर पहले आप लॉगिन कर लें। सिंपली दोस्तों फ्लिपकार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है आपको लॉगिन मांगा जाएगा। तो हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों आप लॉगिन कर ले या तो फिर ले आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे तो आपको भी लॉगिन यहाँ पे करना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी ऐप पे आपको क्लिक करना है। सिंपली दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम क्लिक करते हैं। ओटीपी दोस्तों इंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे जैसे ही दोस्तों हमने क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्लिपकार्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आप जिस तरह से मोबाइल में अपने फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप इस पर अगर एक बार टैप करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ईयरबड्स लेना है या फिर मोबाइल लेना है या हेडफोन लेना है, चार्जर लेना है, जो भी दोस्तों आपको लेना है वो यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे हमने मोबाइल यहाँ पे टाइप कर दिया, अब यहाँ से इंटर हम प्रेस कर देते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल के ही जैसे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पेज खुल के आएगा। आप सिंपली अपने माउस को थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप नीचे लेते आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने सारा जितना भी फ़ोन होगा जो भी आप सर्च करेंगे वो सारा नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके देखने को मिलेगा। सिंपली दोस्तों अगर जिस चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। हमको दोस्तों ये मोबाइल अभी चाहिए नहीं, नहीं तो हम आपको जो है ऑर्डर करके भी दिखा देते। तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे, अपने लॉगिन करके आप यहाँ पे जब डिलीवरी करेंगे तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, लोकेलिटी, एरिया वहाँ आपका, आपका स्टेट क्या है, ये सब दोस्तों आपको खुद से ही भर के, उसके बाद होम है आपका या फिर वर्क हाउस है, ये सब दोस्तों आपको भर के उसके बाद यहाँ पे सेव एंड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट पे अपने जिस भी तरह से पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट को आप एक्सेप्ट करके उसके बाद आप डिलीवरी एड्रेस वगैरह सब डाल के आप चाहें तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।